और सबसे बड़ा आस्था का पर्व है, और यही आस्था आज जो है हम हिंदुओं के लिए अभिशाप बन गया है। मगर इस बात को हम लोग नहीं समझ रहे हैं, हम लोग वो झूठी आस्था, ये गंगा को दूषित करना आस्था नहीं है, मगर हम लोगों के दिमाग में क्या है कि पूजा पाठ का जो पन्नी है, कचरा है, ये है, उसको गंगा में फेंकेंगे, वही मेरा सबसे बड़ा आस्था है। सैलाब आप देख सकते हैं जो यहाँ से लेकर घाट तक हो रहा है, ये उस 7 दिवसीय 8 दिवसीय 9 दिवसीय आप जो भी कह लें, इस छठ पर्व की महिमा यही है कि लोग कार्तिक के प्रवेश के साथ ही इस प्रकार से काम में जुट जाते हैं। कुछ जो हमारे माँ बहने हैं गेहूं सुखा रहे हैं, चूल्हा बना रहे हैं, और ये भीड़ शुद्धता के लिए पहला प्रमाण है कि उनको गंगा माता से दर्शन करना होता है। इन सैलाब के बीच में कुछ ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो माता गंगा की स्वच्छता के लिए तत्पर हैं। हमारी आस्था हमारे लिए अभिशाप है, ये बात हम आपको बताना चाह रहे हैं। ये वो गार्बेज है जो गार्बेज पूजनीय गार्बेज है, जिसे हमारे पूर्वज, हमारी माताएं, हमारी बहनें कहते रहती हैं कि इनको पैर नहीं लगाना है, इनको छूना नहीं है। आज ये हमारे लिए घातक हथियार साबित हुए हैं। जो लोग समझने वाले हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका विसर्जन जो आप माता गंगा को कर रहे हैं, आप माता गंगा को गर्त में ले जा रहे हैं। आपका आस्था हमारे लिए अभिशाप बन रहा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए अभिशाप बन रहा है। मैं उन लोगों से मिलाऊंगा आपको जो लोग बेगूसराय से दूर दराज के इलाके से चलकर आए हैं और गंगा सफाई के लिए, वो ना किसी नमामि गंगे का हिस्सा हैं और ना ही कोई कर्मचारी हैं, सब पत्रकार हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई शिक्षक हैं, वो लोग सब के सब यहाँ तक आए, मैं उनसे मिलाता हूँ आपको। समाज सेवी जिनका घर भी यहाँ से दूर है और ये भी गंगा के किनारे हैं, फिर भी आप इस आस्था के जो छठ पर्व से आप जरा कहें कि क्या ऐसी आस्था है, लोग इसको 4 दिवसीय कहते हैं, मुझे तो यहाँ लग रहा है कि जैसे 8 दिवसीय 10 दिवसीय त्यौहार है। कि निश्चित रूप से ये 6 दिवसीय कह सकते हैं, दीपावली की अगली सुबह से जो लोग छठ व्रत करते हैं मुख्य रूप से, वो लोग लहसुन प्याज जो होता है वो खाना छोड़ देते हैं। और चूंकि पहले आस्था के इस भीष्म सैलाब में माता गंगा का क्या महत्व है, लोग इतना माता गंगा के प्रति क्यों और इसे भीड़ लेकर आए? माना जाता है कि ये जो कलयुग है उसमें हम लोग दो ही भगवान को सम्मुख दर्शन कर पाते, एक सूर्यदेव, दूसरा गंगा माता। तो जो हम लोगों के पास है उनसे रूबरू होकर पवित्र होकर, क्योंकि लोक आस्था का महान पर्व, बिहार का सबसे पवित्र पर्व अगर कहें तो वो छठ पर्व है, और सबसे पवित्र अगर नदी है तो वो गंगा जी। आप कर क्या रहे हैं, ये लोग क्या काम हो रहा है ये आप? हम लोग अभी छठ पूजा के मद्देनज़र दीपावली की अगली सुबह से गंगा घाट सफाई अभियान चलाते हैं। आज दूसरी दिन पर्यावरण साथी टीम के नितेश रंजन भैया के नेतृत्व में हम लोग गंगा घाट सफाई अभियान में भी लगे हैं। तो इस सफाई का उद्देश्य सिर्फ खुरमपुर घाट तक सीमित नहीं है, जो भी मुख्य घाट है जहाँ लगता है कि लोग आस्था के हिसाब से आते हैं वहाँ आप जाते हैं? निश्चित रूप से, चूंकि जिला प्रशासन एकमात्र उनके नज़र में सिमरिया घाट है, क्योंकि वहाँ चमक धमक ज़्यादा होती है, वहाँ ज़्यादा फोटो खिंचाई होता है, इसलिए उनकी चमक धमक वहीं सीमित रहती है। हम लोग अपनी आस्था को लेकर हर साल 2014 से छितनौर, खुरमपुर, सिहमा, पथलाटोल, गोसाईटोल, रामदिरी घाट तक जाते हैं। चूंकि हम लोगों की सीमित संख्या है तो 4-5 दिन हम लोग ये अभियान चलाते हैं। मैं नहीं कहूँगा, चूंकि कहने का तात्पर्य ये भी निकलता है कि वहाँ मेला कमेटी है, वहाँ से सरकार को मुआवजा मिलता है, सैरात मिलता है, तो उसके हिसाब से सरकार को जहाँ मुनाफा वहीं जाते हैं। हम लोग गाँव के लोग हैं, चूँकि सरकार के लिए कुछ वोट देने तक का मतलब आपका घर यहीं है? जी यहीं पर है। तो क्या आपके गाँव के आसपास इतना माता गंगा में, जो गाँव के लोग इस चीज़ को नहीं देख सकते हैं कि आप जो यहाँ गार्बेज तो जितना सच्चा मैं गांव के लोग देख रहा है, पंचायती राज भी है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि नगर निगम काम नहीं करता है, मेला के सैराट कमेटी काम नहीं तो करता। नगर निगम तो सच में काम यहाँ पर क्या करने आएगा, नगर निगम क्यों करने आएगा, आपका क्षेत्र नहीं है। तो जहाँ तक रहा अपने के बात, अपने सब लोग जहाँ तक है सब साफ उफ करता है, बल्ब तार लगाता है, सरकारी कोई सुविधा होता है साफ? हाँ होता है थोड़ा बहुत। ये मैं इस टीम के मैं ढूंढना चाहूँगा कि नितेश भैया कहीं हैं, हर साल का लगभग 7-8 साल से उनका ये मुहिम चल रहा है, वो पर्यावरण साथी के मुख्य संरक्षक हैं। और संजोग कहिए कि मेरे साथ केशव भारद्वाज बीटी न्यूज़ के संस्थापक, मैं के नितेश भैया से निवेदन करूँगा कि जरा सा घूम जाएँ, आपसे मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा, इस बहुमूल्य समय जो आप कर रहे हैं यहाँ से, हम चाहेंगे आप सिर्फ संदेश दें उन लोगों को कि जो आस्था के नाम पर यहाँ माता गंगा को दूषित करते हैं, दूषित करते मैं कहूँगा, भगवान के गार्बेज को भगवान को दे करके ये तो उठा तो सकते नहीं, तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? सबसे बड़ी बात है कि ये लोक आस्था के महापर्व को लेके, छठ पूजा को लेके लोगों में आस्था तो बहुत है, लेकिन सबसे ये जो एक पारंपरिक ये घटनाचक्र रहा था या पारंपरिक
कार्य प्रणाली जो रही थी लोगों की इस पर्व को लेके, कि लोग खुद से अपने घरों से निकलते थे दिवाली की अगली सुबह से, वो छठ घाट की साफ़ सफाई करते थे, छठ घाट पर सीढ़ियाँ बनाते थे, उसके बाद वो छठ पूजा के दिन वहाँ पर डाला दौरा लेके आते थे। ये संस्कृति कहीं कहीं विलुप्त होते जा रही है। ये संस्कृति सरकार ने विलुप्त कर दिया क्या? पंचायती राज का गठन, नगर निगम का उत्थान, आप कह सकते हैं नगर निगम, नगर परिषद, सब उत्थानित हुआ, तो उनके अधीन हम गुलाम तो नहीं हो गए हैं कि वो करेगा तभी होगा? ये हमारी मानसिकता है कि अब हम ये निर्भर हो चुके हैं कि अगर साफ सफाई नगर निगम क्षेत्र में होना है तो वो केवल नगर निगम का काम है, अगर पंचायत क्षेत्र में होना है तो केवल ग्राम पंचायत का काम है। ये हमारी सोच में आ चुकी है, ये हमारी मानसिकता है। और अभी भी आप देखे होंगे कि जब हम लोग साफ सफाई में लगे हुए थे, आप भी यहाँ पे जुड़े हुए थे साफ सफाई में, तो एक महिला कह रही थी कि नगर निगम के कुछ लोग साफ कैलखिन वजे पर चले हैं। मतलब उनका ये उनकी ये सोच है कि अगर साफ सफाई हो रहा है ये केवल नगर निगम का काम है। यही सोच, इसी सोच के कारण न केवल नगर निगम क्षेत्र के गंगा घाटों पर, बल्कि जो गंगा किनारे का जो घाट है, छठ घाट है, वहाँ आप देखेंगे गंदगी का अंबार लगा है। और लोग केवल इस बात के लिए निर्भर है कि ये काम मुखिया जी का है, ये काम जो है BDO साहब करवाएंगे, CO साहब करवाएंगे, तभी ये साफ हुआ। नहीं, अगर लोग आस्था का ये पर्व, आप इसको छठ को मानते हैं, तो छठ पूजा की तैयारियों में लोगों को जुड़ना होगा, लोग को जुड़ना होगा, तभी इसमें व्यापक व्यवस्था बनाई जा सकती है। केवल जिला प्रशासन या CO, BDO या आप नगर निगम के किसी अधिकारी को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं कि यहाँ पर साफ सफाई नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ गंदगी। इनको समझने के लिए आपको परिचय कराना बहुत जरूरी होगा। ये हमारे नितेश रंजन भैया हैं, एक सरकारी शिक्षक हैं, इनकी पत्नी क्लास 1 अधिकारी है, और आज ये लोग इनको कह रहे हैं कि नगर निगम के एक कर्मचारी हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि जिम्मेदारियां किसे कहते हैं और थोपना किसे कहते हैं। हर लोग आज उसी आधार पर बैठा हुआ है कि सरकार कुछ करेगा, ये कुछ करेगा। तो आपको नहीं लगता कि आपके जैसे एक अधिकारी का पति होने के बाद, आप खुद एक शिक्षक हैं, फिर भी इतनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं? ये काम जो है, हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत 2014 से ही की थी, और 2014 से लगातार माँ गंगे की कृपा से 2014 से लगातार हम लोग इस अभियान को चला पा रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को जागरूक नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी लोग जागरूक हुए हैं, 10, 20, 25, 50, जो ही जागरूक हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार 2014 से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार इस अभियान में अपना समय दे रहे हैं, तो जागृति किसी 2-4 दिन में नहीं आती है। वर्षों आप जब किसी योजना को लेकर चलते हैं, किसी अभियान को लेकर चलते हैं, तो धीरे धीरे लोगों का जुड़ाव होता है। मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर पर धीरे धीरे लोगों में ये मानसिकता पनपेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे, जिससे मैं मानता हूँ कि लोग जो गंगा स्नान के लिए आते हैं, वो कम से कम अपने स्नान के लिए 2 स्क्वायर फीट बाय 2 स्क्वायर फीट, मतलब अप्रॉक्स 4 स्क्वायर फीट को ही वो अगर साफ कर लें, तो कोई ऐसा छठ घाट, कोई ऐसा गंगा का किनारा नहीं बचेगा जहाँ साफ सफाई नहीं है। आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी को सुना होगा, तुम्हार डाक के सुने नाथ एकला चलो रे, जिसका सिद्धांत कहना है कि यदि आपकी बात को कोई नहीं सुनता है तो आप अकेले चलते रहिए और एक दिन कामयाबी मिलेगी। मेरे साथ है BT न्यूज के संस्थापक MD केशव जी। मैं इनसे जानना चाहूँगी कि आज जो आप दुनिया की आवाज़ उठाते रहते हैं और कचरा उठा रहे हैं, क्या है, किस भीषण परिस्थिति में आ गया है हमारा देश, हमारा गाँव, हमारी माता गंगा? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा पर्व है हम लोगों के लिए, और हम लोग बिहारवासी कहते भी हैं क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा पर्व है और सबसे बड़ा आस्था का पर्व है, और यही आस्था आज जो है हम हिंदुओं के लिए अभिशाप बन गया है। पहले क्या होता था कि पहले आबादी कम थी, कचरा लोग कम फेंकते थे, पॉलीथीन नहीं था, ये सब नहीं था, इसीलिए पूजा पाठ की सामग्री को कहा जाता था कि गंगा में विसर्जन कर देने। मगर अब हम लोग इतना ज़्यादा आविष्कार कर चुके हैं, ऐसा ऐसा मटेरियल का आविष्कार कर लिए हैं जो गंगा में मिलने के बाद करोड़ों सालों तक उसी तरह रह सकता है। मगर इस बात को हम लोग नहीं समझ रहे हैं, हम लोग वो झूठी आस्था, ये गंगा को दूषित करना आस्था नहीं है, मगर हम लोगों के दिमाग में क्या है कि पूजा पाठ का जो पन्नी है, कचरा है, ये है, उसको गंगा में फेंकेंगे, वही मेरा सबसे बड़ा आस्था है। तो इस सोच को अगर सबसे पहले बदलना होगा कि कचरा फेंकना आस्था नहीं है, ये गंगा माँ है, इनको पवित्र रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है और लोगों का आस्था से विश्वास घट रहा है। तो जितने भी लोग अगर जुड़े हुए हैं, हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं, हिंदुत्व को मानते हैं और हमारी माँ को मानते हैं, तो उन लोगों को ये भी मानना होगा कि गंगा में कचरा फेंकना आस्था नहीं है। हमारे सिद्धांत संस्कृति के अनुसार जितनी भी हमारी मूर्तियाँ थी वो मिट्टी के निर्मित होते थे और वो माता गंगा में प्रवाहित करने से हमें कोई परेशानियाँ नहीं आती थी, लेकिन आज वो सब के सब बॉन चाइना के रूप में हो चुके हैं, चाइनीज मिट्टी से बने हुए। ये हमारे देवी देवता हैं जो हमारे लिए पूजनीय हैं, जिनको हम सालों भर पूजते हैं, लेकिन अब गंगा माता में डालने के बाद आपको पता है कि वो चाइना की बात चाइना तक ही सीमित है,
पहाड़ों में रहने वाले क्या जाने माता गंगा की आस्था को, और उनके द्वारा निर्मित आप मिट्टी को, शीशे को आप यहाँ पहुँचा रहे हैं। यहाँ वो लोग हैं जो हमारी भावना, हमारी आस्था के साथ माता गंगा के पास आते हैं, लेकिन इन कचरे के साथ। और कचरा, आप मैं किसे कचरा कर रहा हूँ जानते हैं आप? ये वो कचरा है जिसे आपने आस्था के साथ पूजा किया था, दान किया था, पुण्य किया था, और वो आप यहाँ माता गंगा के पास शपथ करते हैं। ये आपके आस्था के नाम पर अभिशाप है और इसका पाप आपको जरूर लगेगा। यदि आप समझ रहे हैं तो आपको समझना होगा कि इन कचरों को आप वहाँ दफनाएं जहाँ ये माता मिट्टी के अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपने अंदर हजारों करोड़ों गार्बेज को समेट सकता है, आपके घर के आसपास कहीं भी हो सकता है, और आपकी बात माता गंगा तक पहुंच जाएगी, क्योंकि धरती पर जब तक माता गंगा है ये रोम रोम में समाई हुई है और इनकी जल की प्रवाह आपके घर तक पहुंचा हुआ है। इसी क्षेत्र से हैं? नहीं, क्षेत्र तो अलग है, लेकिन हमारा गांव आपका है, सीमा गांव है। सीमा से आए हैं आप? जी, तो सीमा से आए हैं, तो गंगा के पास आसपास के लोगों का जो रवैया है कि आस्था के नाम पर इस तरह जो कचरा फैलाते हैं, गार्बेज जो दे के आते हैं, घरों से लेके आते हैं पूजा की सामग्री माता गंगा के नाम पर, क्या माता गंगा इन शीशों को, इन चाइना निर्मित मूर्तियों को गला सकती है क्या? नहीं, गला नहीं सकती है। तो फिर आपके गांव के लोग, आप लोग क्यों नहीं मना करते हैं उन लोगों को जो दूर दराज से आते हैं? बार बार निवेदन करने के बाद भी लोग अनपढ़ होके ऐसे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमें शिक्षा देते हैं कि संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कि इनमें पैर नहीं लगाना है, फूल पे नहीं छूना है, वो नहीं छूना है, लेकिन वो सबके लिए फूल देकर गाते हैं। और क्या उद्देश्य है आपका, आप यहाँ गंगा सफाई में आए हैं? हमारा उद्देश्य है कि मानसिक रूप से स्वच्छ होना चाहिए, और जब तक हम स्वच्छता के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे तब तक स्वच्छ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, हमारी टीम को जरा मैं कहूँगा कि दिखा दें, ये जो साफ कर रहे हैं इनमें क्षमता नहीं है कि ये 2000 से किलोमीटर से ज़्यादा के माता गंगा के सारे किनारे को साफ कर दें। जब आपके नमामि गंगे का प्रोजेक्ट इसको साफ नहीं कर पाया, लेकिन यदि विचार को हम साफ कर पाएँ तो मुझे लगता है हमारी माता गंगा साफ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।